कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री, ये दुखद भी है और ये हास्यास्पद भी है, दोनों ही है। अब राहुल गांधी को इसमें कौन सा करिश्मा दिखता है, ये राहुल गांधी मैं मतलब राहुल गांधी ही जाने। नमस्कार, हिंदुस्तान स्वागत है आपका, मेरे चैनल में जो है मैं हूँ नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अच्छे रहना। कोरोना नियमों का पालन जरूर करना क्योंकि कोरोना अभी तैयार नहीं है और इसके नियमों के साथ खिलवाड़ का नतीजा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए ध्यान रखो अपना भी और दूसरों का भी। और अब बात करते हैं कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार कांग्रेस में काफ़ी दिनों से था, वैसे चर्चा मैंने कई जगह और भी पढ़ा था कि कन्हैया कुमार जो हैं कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, और मैंने ये पढ़ा था कि राहुल गांधी युवाओं की फौज तैयार कर रहे हैं कांग्रेस में। लेकिन अब ये कन्हैया कुमार है कौन? ये जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष हैं और ये 2019 में लोकसभा के चुनाव में जो बेगूसराय से बिहार से गिरिराज शंकर जो है उनके खिलाफ वहाँ से लड़े थे और जो बुरी तरह से हारे थे। बेगूसराय की जनता ने अच्छा खासा मुंहतोड़ जवाब दिया था इनको वहाँ पर, और अब इनको कांग्रेस में लाने का श्रेय कोई कह रहा है प्रशांत किशोर को जाता है, लेकिन मुझे जहाँ तक इसका अंदाजा है इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है हमारे देश की मैग्सेसे अवार्डधारी रविश कुमार जी को जाता है। उनका हाथों चाहे कोई इसको ये बाहर खबर निकल के आए या ना, इसमें इसका इनका हाथ जरूर है क्योंकि वो भी बिहार से और राहुल गांधी के दोनों विरोधी, यानी सॉरी मोदी जी के वो कितने विरोधी हैं ये किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं, और राहुल गांधी को कंधे को घोड़ा बनाने में वो कितनी मेहनत कर रहे हैं ये भी छुपा हुआ नहीं है। इसलिए लोग चाहे जो भी कह लें, लेकिन इनको कांग्रेस में लाने का श्रेय पर्दे के पीछे से रविश कुमार को तो पक्का जाता है। और कोई बात नहीं, जाए तो जाए, मुझे अफसोस इस बात का है कि ये हास्यप्रद भी है और ये दुखद भी है। दुखद इसलिए है कि ये वही कन्हैया कुमार है जो सरस्वती मंदिर जिसे कहा जाता है, विद्या का मंदिर जिसे सरस्वती का मंदिर कहा जाता है, जहाँ से शिक्षा लेता है, जहाँ से अपने उज्जवल भविष्य के लिए बच्चे जहाँ पढ़ाई करते हैं, उसी प्रांगण में खड़ा होकर ये कन्हैया कुमार हमारे देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, वैसे तो वाम दलों की हालत खराब है पूरे देश में, सभी वाम दलों की हालत खराब है, कांग्रेस भी उन्हीं में शामिल है, लेकिन कांग्रेस काफ़ी पुरानी पार्टी है और अच्छी खासी पहुंच है पूरे देश के हर कोने तक पार्टी की। लेकिन कन्हैया कुमार भाषण अच्छे देता है, सबको पता है, बहुत अच्छे भाषण देता है, भीड़ जुटा लेता है। अब इसमें यह है कि भीड़ जुटाने के बाद जरूरी नहीं है भीड़ वोटों में तब्दील हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से अगर ये भीड़ वोटों में तब्दील हो गई तो ये कितना दुखद है हमारे देश की राजनीति के लिए। जो इंसान अपने ही शिक्षा सरस्वती मंदिर में खड़ा होकर जिस प्रांगण से शिक्षा लेके अपने उज्जवल भविष्य के लिए निकलता है, उसी प्रांगण में खड़ा होकर हमारे देश के टुकड़े होने करने की बातें करता है, जब ये कन्हैया कुमार राजनीति में आ जाएगा तो ये देश को क्या दिशा देगा, क्या दशा करेगा और क्या सोच हमारे देश के युवाओं को देगा। हास्यप्रद इसलिए है कि राहुल गांधी की हालात पे हमें वाकई में हंसी आती है। राहुल गांधी आज भी समझ नहीं पा रहा कि हमें मुझे देश में की जनता में देश के लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने के लिए, और इस देश में अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी के मैं सपने देख रहा हूँ उसको साकार करने के लिए मुझे क्या काम करना है।
वो सारे उल्टे हथकंडे अपना रहा है जो उसे बताया जा रहा है। और वो कहाँ से करेगा ये सब जब वो देश में रहेगा तब ना। अभी कुछ दिन पहले साउथ के कोई हुआ, उनका नाम है दरबारी पत्रकार, वहाँ पे उन्हें कहा जाता है, तो उन्होंने लिखा था कि वायनाड के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, हमेशा केरला लोगों ने, लेकिन राहुल गांधी को चुनकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, एक उन्होंने ये बोला था। दूसरा उन्होंने ये बोला था कि सोनिया गांधी जी आप हो तो दिल्ली में लेकिन आपका साम्राज्य सुखड़ रहा है। जब से राहुल गांधी आए और ज़्यादा ये साम्राज्य सुखड़ गया, और हम तो चाहेंगे अभी सुखड़ ही रहे, क्योंकि अगर ये राहुल गांधी को एन केन प्रकार प्रधानमंत्री बनाने के कवायद में सबके सब जुटे हुए हैं, सबके सब लोगों ने अपने आत्मा जमीर बेच दी है, तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद है। जो मोदी जी के धुर विरोधी है वो भी मानते हैं कि राहुल गांधी कहीं से भी देश के का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रखते हैं। लेकिन हमारे देश के जो कुछ मोदी विरोधी लोग हैं, सिर्फ मोदी विरोध के चक्कर में वो देश को डुबाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी अगर ये देश की जनता की नब्ज को पकड़ता तो वो इस हिसाब से काम करता ना कि तो देश की जनता के बीच में विश्वास पैदा करने के लिए हमें काम और मेहनत करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जब देखो तब छुट्टियां मनाने बाहर चला जाता है, और जब कोई मुद्दा गर्म होता है तो वापस आ जाता है। इस तरह से थोड़ा वोट मिलते हैं। देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, ये राहुल गांधी को समझ अभी तक भी नहीं आया। अगर आया होता तो कन्हैया कुमार जैसे इंसान को कांग्रेस में शामिल करने का कोई मतलब नहीं बनता था। इतनी पुरानी पार्टी, चाहे देश में वो सत्ता में है या नहीं है, ये हर किसी के अंदर सोच होनी चाहिए कि जो इंसान सरस्वती मंदिर में खड़ा होके देश के टुकड़े टुकड़े करने की बातें करता है, वो इंसान हमारे देश में को क्या भविष्य देगा, क्या सोच देगा, और क्या दशा बनाएगा, और क्या दिशा देगा। राहुल गांधी अभी भी अपने सोच से नहीं चल रहे हैं। उनको कांग्रेस में शामिल करने के लिए सामने नाम जिसका भी हो, पीठ पीछे पर्दे के पीछे रवीश कुमार का नाम है, ये तय है। भले वो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे कहते हैं, मोदी जी को, मोदी के समर्थकों को अनपढ़ी कहा जाता है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ये इसके पीछे हम अनपढ़ी से, हमें इतनी समझ तो है, क्योंकि बिहार में अपना खोया हुआ वजूद पाने के लिए उनको हमने सुना है कि वो कांग्रेस की जिम्मेदारी देंगे, वहाँ पे बिहार की कांग्रेस जिम्मेदारी कन्हैया कुमार को दी जाएगी। दूसरा, कांग्रेस से जो युवाओं की जो युवा चले गए हैं, ज्योतिरिया आदित्य सिंधिया या मुरली देवड़ा जो भी गए हैं, इनकी इनकी जगह भरने के लिए कन्हैया कुमार और एक कोई गुजरात से है, उनका नाम मुझे अच्छे से नहीं आ रहा, दोनों को, इस तरह की युवाओं को वो देश जो है कांग्रेस में भरने की कोशिश कर रहे हैं। इस राहुल गांधी गधे गांधी को कुछ नहीं पता, और ये वैसे ये बहुत अच्छा हुआ। और मैं सिर्फ देश के नागरिकों को, कोई भी मेरी वीडियो थोड़ा सा भी देखेगा, किसी को भी समझ में आएगी राहुल गांधी की सोच को आप पकड़ो। ये प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, इस देश के नेतृत्व की उसको सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे वो फिर किसी आतंकवादी को भी भर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम आतंकी सोच ही कहेंगे, जो देश में के विश्वविद्यालय में जिस सरस्वती मंदिर में उज्जवल भविष्य और अपने के लिए पढ़ाई करता है, शिक्षा ली जाती है, ग्रहण की जाती है, जहाँ पे वहाँ पे उसी प्रांगण में खड़ा होके दक्षिणा के रूप में हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करने की वो बातें करता है, ये सौगात देता है वो इस देश को, तो इस देश के जनता को, इस देश के पढ़े लिखे अनपढ़ इंसान भी समझेगा। जो इंसान अनपढ़ भी होगा उसको भी इतना समझ में आएगा कि जो हमारे लिए इतना कुछ करता है उसको हमें बदले में क्या देना चाहिए। अच्छी सोच, सुरक्षा या टुकड़े टुकड़े करने की सोच, राहुल गांधी के लिए ये हास्यप्रद ही है। ये 2024 और भी हास्यप्रद बनेगा राहुल गांधी के लिए। अभी भी राहुल गांधी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर इसको अब अगर इसको आप
करना ही है, तो अपने ही पार्टी के अंदर जो नेता हैं अच्छे खासे पहुंचे, अच्छे खासे कदा और पढ़े लिखे अनुभवी उम्र दराज है, उनको तवज्जो दे के, उनसे अनुभव लेके उनको तवज्जो दे पार्टी के अंदर, अगर पार्टी को मजबूत करना है और देश के लिए क्या करना है। बीजेपी के आप विरोधी वो बात अलग है, लेकिन मोदी को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं, कभी इस बारे में अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और इस देश की मैं जनता को कहना चाहूँगी आपकी ये हिंदू विरोधी सोच, ये सनातन विरोधी सोच और एक देश विरोधी सोच वाले लोगों से हमें बिल्कुल दरकिनार करना है। इन्हें मैं नहीं कह रही, अब भी मैं हर वीडियो में कहती हूँ, मोदी जी नहीं तो विकल्प क्या, सभी कहते हैं मोदी जी नहीं तो बेहतर। लाओ इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले सोचालों को क्या आप इस देश की राजनीतिक बागडोर इनके हाथ में देना चाहोगे, कहीं से भी नहीं। इन्हें हर जगह से इनका सफाई करने की सोच हमें रखनी है, क्योंकि हम अपने देश को ऐसे हाथों में देना चाहते हो कम से कम जो सुरक्षित हो, जिनकी सोच ही इतनी घटिया हो, जो जो अपने थोड़ा सा फायदे के लिए देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, तो कल को सत्ता में आके देश की क्या दिशा करेंगे, क्या दशा करेंगे, क्या और कौन सी दिशा देंगे, ये आप लोगों को तय करना है, ये देश की जनता को देखना है और सोचना है। इसलिए सोचो समझो और उसके बाद इस कांग्रेस का सफाया तो हो ही जाना चाहिए, अगर ये सत्ता में आई तो देश का हाल बहुत बुरा होने वाला है, ये सोच लेना, क्योंकि अगर सत्ता में आ गई तो फिर ये कांग्रेस 10 साल जो 10 साल सत्ता से बाहर रही उसकी भड़ास निकालेगी देश वालों पे, उल्टे सीधे हरकतें ही ये करेगी, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये वापस सत्ता में आए। अगर लाना ही है किसी और को, हम ये नहीं कह रहे भारतीय जनता पार्टी विकल्प बेहतर छोड़ो, बदतर नहीं, जो हमारे देश को कल को नुकसान पहुँचाए, देश को गर्त में ले जाए। इसलिए अपने देश के लिए जिम्मेदारी सभी की बनती है, सोच समझ के वोट करो, सोच समझ के नेताओं को चुनो, क्या सही है क्या गलत है इसकी परख सबको होनी चाहिए। नमस्कार। कन्हैया कुमार जैसे सोच को क्या आप लोग देश में पनपना देना चाहोगे, कभी नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर देना।